हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड का डी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर इट वाज मंडे ऑन द डेट 010101, यानी कि जनवरी 1st और 2000 जब स्टार्ट हुआ आपका, कि जब से ईयर स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहले ईयर और फर्स्ट डेट जनवरी की, उस दिन जो आपका दिन था वो था मंडे। तो ऐसे ही आपके कोडिंग करनी है। क्वेश्चन कह रहा है ये, इफ एनी एयर इज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड से कोई सा भी एयर बाहर से एंटर करवाएं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड व्हाट इज द डे ऑन 1st जनवरी ऑफ दिस ईयर। तो ये बताना है कि 1st जनवरी को उस साल क्या था। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके पास कैलेंडर है, आज डेट है 2nd जनवरी 2023, और आपको पता है कि 1st जनवरी 2023 को क्या था, संडे। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं 2022 में जाता हूँ, यानी कि लास्ट ईयर, तो आपको जनवरी के फर्स्ट डे कौन सा दिन दिखेगा, ये है सैटरडे। तो इसी तरह कोई सा भी साल हम डाल दें उसके जनवरी का फर्स्ट डे, वो आपको डिस्प्ले करवाना है इस कोडिंग के थ्रू। तो ये तो अभी हमने डेमोंस्ट्रेशन देख लिया, अब देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे होगी। देखिए, हमेशा की तरह दोनों हेडर फाइल ले लिया आपने, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइडमैन और करी बेसिस आपने ओपन कर दिया। अब हमें वेरिएबल चाहिए, इसके लिए हमने तीन वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के, लीप ईयर्स, लीप डे, फर्स्ट डे और एयर के लिए एयर, जो हम एंटर करवाएंगे। साथ ही कुछ लॉन्ग इंट चाहिए होगा हमें, इसके लिए हमने ले लिया लॉन्ग इंट, नॉर्मल डेज और टोटल डेज, और फिर हमने क्लियर स्क्रीन लगा दी ताकि आउटपुट हमारा ही होल्ड करे और बाकी अगर कुछ पहले का है तो वो सब साफ आ जाए। अब प्रिंट एफ में हमने एंटर एयर मैसेज दे दिया ताकि यूजर को पता रहे कि उसे क्या एंटर करना है, तो वेयर एंटर करेगा, और स्कैन करवाया हमने, जो हमने वाई आर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, इसके अंदर हमने इसे स्कैन करवा लिया। एम परसेंट आपको वो स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्कैन करवा पाते हैं, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, और क्योंकि इंटीजर टाइप का तो हमने परसेंट डी ले लिया। फिर एक फॉर्मूला लगाया हमने, नॉर्मल डेज इज इक्वल टू एयर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 365, लॉन्ग के लिए हमने कैपिटल एल लगा दिया। तो इसके थ्रू हमारे पास नॉर्मल डेज कैलकुलेट हो जाएंगे और नॉर्मल डेज वाले वेरिएबल में जो लॉन्ग टाइप का था उसके अंदर असाइन हो जाएंगे। फिर एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा हमें, इसमें हमने लीव डेज जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर हमने इक्वेशन बना दी, एयर माइनस वन ब्रैकेट बंद अपॉन फोर माइनस एयर माइनस वन अपॉन 100 प्लस एयर माइनस वन अपॉन 400। ये हमने लीप ईयर की टेस्टिंग के लिए किया, लीप ईयर आपको पता है क्या होता है, जिसमें फेब में 29 डेज होते हैं, तो ये आपका एक फालतू हो जाता है, यानी कि 366 डेज हो जाते हैं पूरे साल में। तो इसके लिए अगर हमने इक्वेशन सही चाहिए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आंसर गलत दे सकता है। फिर टोटल डेज इज इक्वल टू नॉर्मल डेज एंड लीप डेज, दोनों डेज को जोड़कर हमने टोटल डेज के अंदर असाइन कर दिया। इसके बाद फर्स्ट डे वेरिएबल लिया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल डेज जो आपके पास आए हैं इसे हम मोड कर देंगे 7 से। देखिए, डिवाइड नहीं करें, मोड कर रहे हैं ताकि फर्स्ट डे हमारे पास आ सके कि फर्स्ट डे कौन सा था। ये चार इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझनी है, याद करनी, जैसे भी करनी है कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और काफ़ी हार्ड भी है। फिर इफ कंडीशन से हमने टेस्टिंग की, फर्स्ट डे इक्वल है 0 के, तो प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ में दे दिया मंडे, सलेसन है ताकि हर बार न्यू लाइन में डेटा आपके पास आए। अभी जो टेस्टिंग हुई है, ऐसी टेस्टिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सातों दिनों के लिए हमें करनी है। तो इस तरह से 0 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने मंडे से, 1 को ट्यूसडे से और 6 को संडे से। तो जब भी ये अगर आपके पास नंबर आ जाएगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा दिन प्रिंट होगा। और उसके बाद अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक मैसेज दे दिया, प्रेस एनी की टू एग्जिट, यानी कि
कोई भी की दबाइए और प्रोग्राम से बाहर आ जाइए। और गेट सी एच लगा दिया, इसकी कोडिंग होती है कोनी डॉट एच के अंदर, जिससे आउटपुट विंडो पर आपका प्रोग्राम होल्ड करेगा जब तक आप कोई की प्रेस ना करें तब तक, और करीब रिसेप्शन में प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए रन मेनू में जाकर हमने प्रोग्राम को रन किया, कोई एरर नहीं है। ये कह रहा है एंटर एयर, आपने डाल दिया 2023, हम करंट ईयर ही डाल रहे हैं। आपको पता है 1 तारीख को क्या था, संडे था, तो संडे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेस एनी की टू एग्जिट, ये प्रोग्राम को और अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। अब आप बाहर आ गए। अब जैसे कि अभी हमने लास्ट ईयर देखा था, आप कोई सा भी डाल सकते हैं इसमें, हम डाल देंगे 2022। तो इस दिन जनवरी 1 को कौन सा दिन था, ये था सैटरडे। तो ऐसे आप किसी भी साल का ईयर डाल के किसी भी साल को आप इसमें देख सकते हैं कि उसका फर्स्ट डे कौन सा होगा जनवरी मंथ का। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कोई सजेशंस है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर्स कीजिए। थैंक यू।